गुरुवार को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत 2.08 रुपए प्रति सिलेंडर और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में 42.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में यह बढ़ोतरी 3 माह तक लगातार कटौती के बाद की गई है। IOC ने बयान में कहा कि ईंधन का बाजार मूल्य बढ़ने पर पड़ने वाले टैक्स प्रभाव से कीमतों में यह बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम का सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 495.61 रुपए होगी, जो वर्तमान में 493.53 रुपए है। इससे पहले पिछले 3 महीनों के दौरान प्रति सिलेंडर 13.39 रुपए की कटौती की गई थी। IOC ने बताया कि गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42.50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है और दिल्ली में इसकी नई कीमत 701.50 रुपए होगी। सभी LPG उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर LPG सिलेंडर खरीदना होता है। हालांकि सरकार 1 साल में प्रति परिवार 12 सिलेंडर सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराती है। सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के सीधे बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है। चुनाव से ठीक पहले LPG के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सी कंपनी का LPG सिलेंडर यूज करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह की हर नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।